नेशनल करंट अफेयर्स में आज का टॉपिक है बैंकिंग। इसमें हम कवर कर रहे हैं जनवरी से दिसंबर 2022 तक के अपडेट्स। बेसिकली तीन टॉपिक्स हैं जिन पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और यही तीन टॉपिक्स करंट अफेयर्स में कवर हो रहे हैं बैंकिंग के अंदर। पहला है बेस्ट प्राइवेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है दक्ष इनिशिएटिव बाय RBI, और तीसरा है इंडियाज फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड। इस वीडियो में हम चार पार्ट में टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। पार्ट वन के अंदर टॉपिक्स बताए हुए हैं जो ये पार्ट चल रहा है। सेकंड पार्ट के अंदर मैं हर टॉपिक का एक्सप्लेनेशन दूंगा इंग्लिश में। थर्ड पार्ट के अंदर एक्सप्लेनेशन होगा हिंदी में, और फोर्थ पार्ट के अंदर MCQ होंगे। इसी टॉपिक से रिलेटेड जो MCQ बनते हैं वो हमने इसी वीडियो में कंपाइल कर दिए हैं, जिससे कि आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। HDFC बैंक एडजस्ट बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया, डेट 11 जनवरी 2022। HDFC बैंक हैज बीन एडजस्ट बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया एट ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट PWM, द वर्ल्ड्स लीडिंग ग्लोबल बिजनेस पब्लिकेशन। प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट PWM स्पेशलाइजेस इन एनालाइजिंग ग्रोथ स्ट्रेटजीज ऑफ private banks and the regional financial centers in which they operate. Daksh initiative by RBI, date 6 October 2022. Shri Shaktikant Das, governor, RBI launched a new super tech initiative named Daksh, Reserve Bank's advanced supervisory monitoring system. Key highlights: Daksh means efficient and competent, reflecting the underlying capabilities of the application. Daksh is a web-based end-to-end workflow application through which RBI shall monitor compliance requirement in more focused manner, with the objective of further improving the compliance culture in supervised entities like bank, NBFC, etc. The application will also enable seamless communication, inspection, planning and execution, cyber incident reporting and analysis, provision of various MIS reports, etc. through a platform which enables anytime, anywhere secure access. India's first sticker-based debit card, date 23 November 2022. IDFC First Bank, in association with National Payment Corporation of India, NPCI, recently launched First Tap, India's first sticker-based debit card. Key points: a sticker-based debit card allows the user to make transaction by simply tapping a sticker on near-field communication, NFC, enabled endpoint of sale terminal. It can be used to tap and pay in stores, restaurants, and other places without the need to carry a debit card. It is 1/3 the size of regular debit card. It can be stuck on any surface of customer choice, like cell phones, identity cards, wallets, tabs, AirPods cases, wearable watches, rings, etc. It enables transaction up to 5,000 without PIN, and those beyond requires the entry of PIN. HDFC Bank ko Global Private Banking Award 2021 में भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया था। यह समारोह प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा आयोजित किया गया था। PWM फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप द्वारा प्रकाशित एक धन प्रबंधन पत्रिका है। यह पुरस्कार पर्यावरण, सामाजिक प्रशासन, रणनीतियों में डिजिटीकरण, संचार और निवेश सहित प्रमुख रुझानों में तेजी लाने में योगदान के लिए दिया गया था। PWM विभिन्न कारकों जैसे जोखिम लेने की क्षमता, डिजिटीकरण, परिसंपत्ति प्रबंधन आदि में निजी बैंकों और अन्य क्षेत्रीय वित्तीय संस्थान की विकास रणनीतियों का विश्लेषण करने में मदद करता है। PWM को 120 से अधिक प्रस्तुतियां प्राप्त हुई थीं, जिनकी समीक्षा 4 महाद्वीपों के 16 न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा की गई थी। 2021 में HDFC बैंक एंड कॉमन सर्विसेस सेंटर्स CEC ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड ने छोटे खुदरा
विक्रेताओं को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम के नाम से ओवरड्राफ्ट ओडी योजना शुरू की थी। एचडीएफसी बैंक के बारे में मुख्य बातें, सीईओ और एमडी शशिधर जगदीशन, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र, स्थापना 1994, टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। दक्ष, रिजर्व बैंक की उन्नत पर्यवेक्षण निगरानी प्रणाली की शुरुआत। भारतीय रिजर्व बैंक पर्यवेक्षण को मजबूत करने के लिए विभिन्न पहल कर रहा है, जिसमें अन्य पहलों को नवीनतम डाटा और विश्लेषण उपकरणों को अपनाने के साथ साथ अधिक कुशल और स्वचालित कार्य प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए प्रौद्योगिक का लाभ उठाना शामिल है। इस प्रयास को जारी रखते हुए श्री शक्तिकांत दास गवर्नर ने आज दक्ष रिजर्व बैंक की उन्नत पर्यवेक्षणीय निगरानी प्रणाली नामक एक नई सुपरटेक पहल की शुरुआत की है, जिससे पर्यवेक्षणीय प्रक्रियाओं को और अधिक मजबूत बनाने की उम्मीद है। दक्ष का अर्थ है कुशल और सक्षम, जो अनुप्रयोगों की अंतर्निहित क्षमताओं को दर्शाता है। दक्ष एक वेब आधारित एंड टू एंड वर्कफ्लो एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से आरबीआई बैंकों एनबीएफसी जैसी पर्यवेक्षित संस्थाओं में अनुपालन संस्कृति में और सुधार लाने के उद्देश्य से अधिक केंद्रित करके इसे अनुपालन आवश्यकताओं की निगरानी करेगा। एप्लीकेशन एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से निर्बाध संचार निरीक्षण योजना और निष्पादन साइबर क्राइम घटना रिपोर्टिंग और विश्लेषण विभिन्न MIS रिपोर्ट्स आदि के प्रावधानों को भी सक्षम करेगा, जो कभी भी कहीं भी सुरक्षित पहुंच को सक्षम बनाते हैं। स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड पेश किया है, जिसे फर्स्ट स्टेप कहा जाता है। लॉन्च नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के सहयोग से किया गया है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC सक्षम पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर स्टिकर को टैप करके लेन देन की सुविधा के लिए फर्स्ट स्टेप लॉन्च किया गया है। प्रमुख बिंदु, ये लेन देन को बहुत ही ईजी बनाता है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC द्वारा अनेबल्ड जो सेल टर्मिनल्स हैं वहाँ पे इस स्टिकर को सिर्फ टैप करके हम पेमेंट कर सकते हैं। 5,000 तक की पेमेंट विदाउट पिन हो जाती है और उससे ऊपर के लिए पिन डालने की ज़रूरत पड़ती है। ये स्टिकर नॉर्मल डेबिट कार्ड से 1/3 साइज़ का है। इस स्टिकर को किसी भी जगह पे लगाया जा सकता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, आइडेंटिटी कार्ड्स, वॉलेट, टैप्स, एयरपॉड। It's time to dust yourself. Question 1 of 5. Daksh is associated with option 1 DRDO, B ISRO, C RBI or it's D NIT. The correct answer is RBI. Question number 2. Which bank has been adjudged as Best Private Bank of India? Options are IDBI Bank, HDFC Bank, Kotak Mahindra Bank or it's D, ICICI Bank. The correct answer is HDFC Bank. Question number 3. First Tap has been launched by IDFC Bank in association with, options are National Payment Corporation of India, Reserve Bank of India, Unified Payment Interface, or it's D, Visa International Services Association, Visa. The correct answer is National Payment Corporation of India. Question number 4. Which bank launched India's first sticker-based debit card? Options are IDFC Bank, HDFC Bank, Bank of Baroda or its ICICI Bank. The correct answer is IDFC Bank. Question number 5. India's first sticker-based debit card is based on which technology? Options are Wi-Fi enabled point of sale terminal, B UPI enabled point of sale terminal, C QR code enabled point of sale terminal, or it's D NFC enabled point of sale terminal.
The correct answer is NFC, enabled point of sale terminal.